संस्कृत अनुवाद सीखने के क्रम में आज हम सीख रहे हैं ओकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द। इसी क्रम में हम कारक चिन्ह और विभक्ति को पुनः याद कर लेते हैं। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, करण से के द्वारा तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से पृथक होने के अर्थ में पंचमी, संबंध काके की रारेरी षष्ठी, सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। अब हम इसके शब्द रूप याद करते हैं, स्मरण करते हैं अर्थ सहित। जैसे प्रथमा वधु वधवौ वधवः, वधूं वधवौ वधु, वधवा वधुभ्यां वधूभिः, वधवै वधुभ्यां वधुभ्यः, वधवः वधुभ्यां वधुभ्यः, वधवः वधवो वधूनां, वधवां वधवो वधूषु। संस्कृत बहुत आसान है, आपने इतने सारे शब्द रूप सीख लिए हैं, देख लिए हैं, तो उसमें एक बात आपने नोट की होगी बच्चों, वो ये कि ज्यादातर शब्दों जो ज्यादातर हमारे शब्द रूप है उनके द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी भ्याम 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 लगता है। तृतीया में बहुवचन में भी लगता है तथा चतुर्थी और पंचमी में वधुभ्य वधुभ्य तो भय भय का प्रयोग होता है। संस्कृत बहुत आसान है, जब आप धीरे धीरे याद करेंगे तो इन सब बातों को भी आप पहचानने लगेंगे। आज हम इसका अर्थ सीखते हैं। वधु वधवौ वधवः, एक वधु ने, दो वधुओं ने, सभी वधुओं ने, वधूं वधवौ वधु, एक वधु को, दो वधुओं को, सभी वधुओं को, वधवा वधुभ्यां वधूभिः, एक वधु से के द्वारा, दो वधुओं से के द्वारा, सभी वधुओं से के द्वारा, वधवै वधुभ्यां वधुभ्यः, एक वधु के लिए, दो वधुओं के लिए, सभी वधुओं के लिए, पंचमी वधवः वधुभ्यां वधुभ्यः, एक वधु से अलग होने के लिए, दो वधुओं से, सभी वधुओं से, षष्ठी वधवः वधवो वधूनां, एक वधु का, दो वधुओं का, सभी वधुओं का, सप्तमी वधवां वधवो वधूषु, एक वधु में, दो वधुओं में, सभी वधुओं में। अब ये हमारा संबोधन है, हे वधु हे वधवो हे वधु है। एक बात हम जान गए हैं कि जो हमारा संबोधन होता है वो प्रथमा विभक्ति का ही होता है, केवल एक वचन में अंतर होता है। अब हम देखते हैं ऊकारांत स्त्रीलिंग और कौन से शब्द है जो वधु के समान चलते हैं। जैसे चमु, श्वश्रु, जंबु और भी बहुत से शब्द है। बच्चों संस्कृत बहुत आसान है, इसका एक तरीका और देखिए। जैसे हमने अभी सीखा था नदी शब्द, नदी शब्द केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में नदी बनता है, शेष नदी और वधु आदि शब्द एक समान चलते हैं, बिल्कुल एक समान चलते हैं। थोड़ा सा ही प्रथमा एक वचन में फर्क है, शेष इसमें वधु में विसर्ग लगते हैं, नदी में विसर्ग नहीं लगते हैं। तो हमें अर्थ सहित ओकारांत स्त्रीलिंग वधु शब्द याद करना है। अगले ट्यूटोरियल में और आगे शब्द रूप सीखेंगे।